अगर आप अपने वोटर आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं या आप अपने वोटर आईडी का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मोबाइल नंबर रजिस्टर करने से आप अपना वोटर आईडी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपना वोटर आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दें, जिससे मैं कोई भी किस्म की वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। अगर आप भी चाहते हैं अपने वोटर आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल के क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वोटर आईडी के ऑफिसियल साइट में आपको चला जाना है। आपको सिंपल सा वोटर आईडी लिख के आप ऑफिसियल साइट में जा सकते हो वोटर आईडी के। जैसे आप वोटर आईडी टाइपिंग करेंगे तो आप यहां से नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का आपको यहां पे ऑफिशियल साइट मिल जाएंगे, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लॉगिन एंड रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहां से अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप अकाउंट डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर ए न्यू यूजर कर सकते हैं। आप यहां से एक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप क्रिएट नहीं किए। चलिए मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो चलिए मैं इसे लॉगिन कर लूंगा। आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। यहां से आपको सबसे पहला जो काम करना है क्या है, यहां पे कलेक्शन इन पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कलेक्शन इन पर्सनल डिटेल में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां से सेल्फ या फैमिली का किसका आप करेक्शन कराना चाहेंगे, तो आप जैसे कि सेल्फ या फैमिली का भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे फैमिली का क्लिक करता हूं। उसके बाद जो भी आपका ईपीआईसी नंबर है आपको यहां से अपना ईपीआईसी नंबर दे देना है, टाइपिंग कर देना है। यानी ईपीआईसी नंबर आपके वोटर आईडी का नंबर होता है, यहां आपको वो नंबर दे देना है। जैसे ही आप अपना वोटर आईडी नंबर देंगे तो आपको यहां पे इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। सबसे पहले आपका अपना राज्य जो ऑलरेडी यहां पे सेलेक्ट होता है, उसके बाद आपको अपना स्टेट यहां से सेलेक्ट करना है। जो भी स्टेट है आपके यहां से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना विधानसभा चूज करना है। विधानसभा चूज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपका मिल जाएगा, जो भी आप वोटर आईडी नंबर दे उसका पूरी डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सुधार करने का ऑप्शन है, अगर आपको कुछ गलती है तो आप यहाँ से सुधार भी कर सकते हैं। नाम, फोटो, निर्वाचन फोटो, पहचान पत्र, पता, जन्म तारीख, आयु, संबंधी का नाम, संबंधी का प्रकार, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक पुरुष या मेल में जो भी है यहाँ से आपको इसे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नाम यहां से जो भी है ठीक है, उसके बाद आप यहां से स्क्रॉल कर लेंगे नीचे, आप स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां से अपना जो भी डिटेल्स मांगता है यहां से लिंक, जैसे कि यहां से मेल कर देंगे आप ठीक है। मेल करने के बाद आपको यहां पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ईमेल आईडी में ईमेल आईडी आपको जनरेट कर देना है, आप देना है, और मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद जो भी आपका नाम है यहां पे इन यानी आपको हिंदी में लिख लेना है। आपका नाम जो भी इंग्लिश में आ रहा है उसको आप हिंदी में यहां से टाइपिंग कर देंगे। हिंदी में टाइपिंग करने के बाद दोस्तों आपको यहां से नीचे स्क्रॉल कर लेना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पे सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहां पे स्थान दे देना है, स्थान जो कि डेट ऑलरेडी सेलेक्ट होता है। उसके बाद आपको कैप्चा देना है, कैप्चा देने के बाद सबमिट कर लेंगे आप। तो जैसे दोस्तों आप सबमिट कर लेंगे आपको यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिट योर एनवीएसपी योर फॉर्म रिफरेंस आईडी, तो आपको यहाँ पे एक रिफरेंस नंबर मिल जाता है, जो कि आपको रिफरेंस नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना है या इसको लिख के रख लेना है, क्योंकि आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए काम आएगा। जैसे कि अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसको आप कॉपी कर लेंगे या लिख के रख लेंगे ठीक है। लिख के रखने के बाद आप जैसे ट्रैक स्टेटस का आपको जैसे लॉग इन करेंगे आपको ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ट्रैक स्टेटस में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं, उसके बाद ट्रैक स्टेटस में आपको यहाँ पे जो भी स्टेटस है आपका यहाँ से जो भी रिफरेंस नंबर है यहां से आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप ट्रैक स्टेटस में क्लिक करेंगे। ट्रैक स्टेटस में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला जो काम होगा आपका बीएलओ से अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा जो कि सरकार की तरफ से होगा, उसके बाद एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, आपका वोटर आईडी एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये प्रोसेस होने में आपका एक महीना कम से कम टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आप अपनी वोटर आईडी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फेसबुक में लाइक एंड फॉलो जरूर करें, जिससे मैं कोई भी किस्म की वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।